हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। छुट्टी के बाद आज पहला दिन है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के बारे में बता रहे थे। कई विधि से उसका हल बताए हैं, जैसे कि विलोपन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको बोलते हैं वज्रगुणन विधि। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, ये सब विधि बता चुके हैं। एक विधि और बताते हैं, उसके बाद किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो वो विधि क्या है? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन, इसी के बारे में बता रहे हैं। इसी मेथड से कैसे हल कीजिएगा? तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन, मेथड ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन। तो मेथड ऑफ कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं, दो समीकरण को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। और ये बात समझ लीजिए कि जब दो समीकरण हैं, दो समीकरण युग्म है, तो किसी विशेष प्रश्न के लिए उसमें दोनों चरों का मान, x और y का मान फिक्स्ड होता है, एक निश्चित मान होता है, वो मान चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर हम एक मान को दूसरे मान में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका कंपेयर दूसरे से करेंगे तो आराम से जो है उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि मान उसका बदलने वाला नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन हम लिखते हैं कि कंपेयर कैसे करेंगे, हम तुलना x का भी कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 36 नंबर, क्योंकि पिछले क्लास में 35 तक लिखवाए थे, y बराबर 4x प्लस 5, x बराबर 3y माइनस 4, ये समीकरण दिया हुआ आपको, दो समीकरण युग्म, ठीक है। तो इसमें या तो दोनों को x के टर्म में ले आवेंगे या दोनों को y के टर्म में ले आना है। तो इसमें तो क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि y बराबर 4x प्लस 5, उसको इधर करने की जरूरत नहीं है, y के टर्म में, y के ही टर्म में दिया हुआ, y बराबर दिया हुआ है 4x प्लस 5। तो इक्वेशन इसको एक मान लेते हैं और इसको इक्वेशन दो मान लेते हैं। अगर हमको x का मान पहले निकालते हैं तो पहले y बराबर लिखेंगे, y बराबर 4x प्लस 5 है और x बराबर इतना है, तो यहाँ पर भी y बराबर निकालेंगे। समीकरण दो से पहले कीजिए, समीकरण दो से, समीकरण दो आपका क्या है? समीकरण दो है आपका x बराबर 3y माइनस 4, ठीक है। तो माइनस 4 को इधर लाते हैं तो क्या होगा? x प्लस 4 हो गया बराबर 3y, इसको सीधा कर दीजिए, 3y बराबर क्या हो गया? x प्लस 4। अब y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 बाई 3, इक्वेशन 3 लेते हैं मान लिया इसको। अब यहीं पर देखिए, y बराबर 4x प्लस 5 है, यहाँ y बराबर x प्लस 4 बाई 3 है। तो समीकरण एक और दोनों, दो एक और तीन, दाएं तरफ जो है x के टर्म में है और बाएं तरफ क्या है? y के टर्म में, यहाँ भी y है यहाँ भी y है। तो एक और तीन में बायां पक्ष जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इधर दोनों बराबर है तो उधर दोनों बराबर होगा। तो हम कंपेयर क्या करेंगे? इसी को लेकर के समीकरण एक एवं तीन से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3y माइनस आ गया 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 बराबर x प्लस 4 बाई 3। देखिए एक आसान काम किया कि इधर तो दिया हुआ था ये था कि y बराबर 4x प्लस 5 दिया हुआ था ये था,
और दूसरा में था क्या कि x बराबर 3y - 4। तो पहले समीकरण दो से लिए, 3y बराबर कर दिए, मैंने x बराबर 3y - 4 है तो 3y बराबर क्या किए, -4 इधर तो +4 हो गया, x +4 हो गया बराबर 3y, इसको सीधा कर दिया, 3y बराबर x +4। तो y बराबर हमारा क्या हो गया कि x +4/3, इसको समीकरण 3 मान लिए। तो समीकरण 1 और 3 का कंपेयर किए, y बराबर दिया हुआ है और यहाँ भी y बराबर दिया हुआ है, तो इधर दोनों बराबर है तो इधर दोनों बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 है नीचे, ये एक इक्वेशन आ गया आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 को 4x प्लस 5 से गुना करेंगे और x प्लस 4 को 1 से करेंगे तो x प्लस 4 होगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, ऊपर में लिखते हैं, अब देखिए 3 को x 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया, 3 × 4 = 12x हो गया, प्लस 3 × 5 = 15, प्लस 15 बराबर x प्लस 4। अब x को एक तरफ लेकर के हल कीजिए समीकरण को, 12x, x इधर गया तो -x हो जाएगा, 4 प्लस 15 इधर गया -15 हो गया, तो 12 में से x गया 11x, 4 में से 15 गया -11, तो 11x बराबर -11, इसलिए x बराबर क्या हो गया -11/11, कट करके x बराबर 1 हो, -1 हो गया, x बराबर क्या हो गया -1, और y बराबर क्या आपका x प्लस 4/3, y का वैल्यू निकाल लीजिए, 4/3, तो x का मान क्या है -1, x का मान क्या है -1 प्लस 4/3, तो y बराबर क्या होगा -1 + 4, तो +3 हो गया / 3, कट करके 1 हो गया, y बराबर 1। तो समीकरण का हल क्या हो गया आपको, x बराबर -1 और y बराबर 1, ये आपका हो गया हल। अगर हम तुलना करेंगे x से तो y का वैल्यू पहले निकलेगा, इसका दूसरा रूप भी बता देते हैं आप, y का तुलना नहीं करके x का तुलना करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को इस तरह लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है आपका y बराबर 4x + 5, 4x + 5 और x बराबर है 3y - 4, x बराबर है 3y - 4, क्वेश्चन एक हुआ ये दो हुआ, अब हम समीकरण एक को लेते हैं, समीकरण एक से y बराबर क्या है हमको 4x + 5, चलिए हमको x के टर्म में लाना है तो प्लस 5 इधर आएगा तो -5 होगा, y -5 = 4x, इसको सीधा करते हैं, 4x बराबर क्या हो गया y -5, x बराबर क्या हो गया y -5/4। अब देखिए यहाँ पर x दिया हुआ, x बराबर 3y - 4 है, यहाँ x बराबर y -5/4 है, कंपेयर कर सकते हैं ना, इधर x बराबर x है उधर बराबर हो गया, इसको समीकरण मान लेते हैं 3, आप 1 और 3 को करेंगे तो समीकरण 2 है x बराबर 3y - 4 और 3 x बराबर y - 4, मैंने 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से लेते हैं, समीकरण 2 एवं 3 से
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3y-4 बराबर y-5/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को करना है 3y-4 बराबर y-5, तो 4 + 3 कितना हो गया 12y-4 = 16 बराबर y-5। 12y इधर तो -y हो जाएगा, -5 -16 इधर तो +16 हो जाएगा। अब देखिए 12y में 6y कटेगा तो क्या बचेगा 11y बराबर -5 + 16 कितना हो जाएगा 11। तो y बराबर कितना हो गया 11/11 कट करके 1 हो गया, y बराबर हो गया 1। अब x बराबर क्या दिया हुआ है y-5/4, x बराबर y-5/4। अब x का मान भी निकल जाएगा आराम से, तो एक्स बराबर वाई का मान कितना निकला 1-5/4 -4/4 कट करके -1 हो गया। तो एक्स बराबर हो गया -1, वाई बराबर +1 हो गया। तो ये तुलनात्मक मेथड जो है, तुलनात्मक विधि, इसको कंपेरिजन मेथड बोलते हैं। या तो हम वाई से कंपेरिजन करेंगे या फिर एक्स से कंपेरिजन करेंगे। तो अगर हमको एक्स का मान निकालना है पहले, तो वाई से कंपेयर करेंगे, y का वैल्यू इधर निकाल लेंगे, मैंने दोनों समीकरण में दोनों को मैंने के कंपेयर करके इक्वल कर देंगे दोनों को। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद कोई भी तरीके से, मैंने 5 तरीका जो बताया, 4-5 तरीका, कोई भी तरीका का यूज़ कर सकते हैं आप लोग 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। जो भी मेथड अच्छा लगे उसी को अपनाना है। इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक नंबर, ताकि अच्छा से समझ लीजिए। जैसे 37 नंबर क्वेश्चन है, 4x-3y = 0 4x-3y = 0 और x+3y = 15। एक क्वेश्चन हो गया, सुन, एक हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण 1 लेते हैं, पहले उठाते हैं, किसी को भी तुलना कीजिए, चाहे x का कीजिए y का, इससे कोई फर्क नहीं है। 4x-3y = आपका 0 है, तो 4x = इसी जगह करते हैं, y का मान पहले निकालेंगे, तो 0 है, -3y इधर है तो +3y हो गया, तो 4x = हो गया आपको 3y। तो x बराबर क्या हो गया 3y/4, x बराबर कर दिया इतना। अब समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से क्या है, x+3y = क्या है 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15-3y, ठीक है, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 4 हो गया। अब देखिए 3 में x बराबर 3y/4 है, और 4 में क्या x बराबर 15-3y है। तो बाएं तरफ दोनों समीकरण का सेम है, x में है बराबर है, तो दाएं तरफ भी बराबर होगा। समीकरण 3 एवं 4 से क्या है, इसमें 3y/4 बराबर 15-3y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3y को 1 से करेंगे तो 3y होगा, तो 3y हो गया बराबर 4 को 15-3y से करेंगे, 4 को 15-3y से करेंगे, तो 3y
बराबर 15 चौके 60 हो गया, माइनस 4 3 12 वाई। एक तरफ ले आएंगे 3y + 12y बराबर 60, तो 12 3 15y हो गया बराबर 60, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर 60/15 गुना है भाग में जाएगा 15 चौके 60, वाई बराबर आपका 4 निकल गया, और x बराबर क्या है आपका 3y/4, x बराबर 3 × y का मान 4/4, 4 कट गया, x बराबर हो गया 3, वाई बराबर हो गया y कितना निकला था 4, ये आपका समीकरण हल हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को इसमें जो है 4-5 विधि बताए, एक विधि हो गया ग्राफिक मेथड, दूसरा हो गया विलोपन विधि, तीसरा हुआ प्रतिस्थापन विधि, और फिर जो है वज्रगुणन विधि, और अभी क्या बताए कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। इतना विधि जानने के बाद कोई भी विधि को अपना सकते हैं। इसे कुछ क्वेश्चन देते हैं, बना के लाइएगा, बनाइएगा इसको, आज यही तो रखा जाए।